फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फिर से आ गई हूँ ये प्यारा सा नया सा टॉपिक लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि फिर से मैं आज ना इनके स्कूल के बच्चों का थोड़ा सा प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था। और परसों वाले वीडियो तो आप लोग वॉच किए ही थे, जो कि मैं इंडिपेंडेंस डे के इनके स्कूल का मैं दिखाई थी। तो पता नहीं कैसे उनके स्कूल के बच्चे, मतलब कुछ बच्चे मेरे वीडियो वॉच कर लिए, और उन लोगों का जैसे जान लीजिए ना, थोड़ा सा उन लोगों को ये लगा कि कुछ बच्चों का हम दिखाए ही नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो उन लोगों को लगा कि मैम हम लोगों का दिखाई ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं परसों से ही, और इनसे 2-3 बार फ़ोन कर चुके मेरे पास और कि बच्चों का डाल दो, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो उन लोगों का रिक्वेस्ट है कि मैं उन लोगों का पूरा जो भी प्रोग्राम किए थे, जो भी परफॉर्मेंस किए थे वो लोग, तो मैं उन लोगों का अपने चैनल पे शेयर करूं। तो मैं आज दूसरे टॉपिक पोस्ट करने वाली थी अपने चैनल पे, बट लेकिन उन लोगों का मतलब इतना प्यार देख के ना, और इतना रिक्वेस्ट वो लोग कर रहे हैं, तो मैं सोची कि चलो बच्चे हैं तो पहले उनकी खुशियाँ सबसे पहले मायने रखती है। तो मैं सोची कि चलो पहले उन लोगों का मैं आज शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास कुछ वीडियो उन लोगों के थे, तो मैं आज वही उन लोगों का मैं शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू फ्रेंड आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँच जाए और आप हमारा वीडियो वॉच कर सकें फ्रेंड्स। और जानते हैं, और आप लोगों से हाँ एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो अगर पसंद किए हों तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइएगा कि बच्चों की परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताई ही थी कि मिर्ज़ापुर एक छोटे से गाँव के स्कूल में हैं, पोस्टिंग इनकी हुई है। और यहाँ वहाँ ना इनके स्कूल के जो स्टाफ हैं उनके मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टाफ मतलब बहुत कम हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो मिला जुला के सिर्फ 5 लोगों का स्टाफ है। एक ये हैं और एक 2 सहायक अध्यापक हैं, 2 सहायक टीचर और 2 शिक्षा मित्र हैं। मतलब मिला जुला के सारे लोग 5 लोग हैं, और बच्चे हैं 350-400 बच्चे, से कम नहीं है उससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन मुझे एक्चुअली पूरा पता नहीं है, लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि 350-400 से कम नहीं है बच्चे, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे लोग मैनेज करते हैं, बट जैसा भी हो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और स्कूल के बच्चों का मतलब कि जो भी है एक्टिविटी, परफॉर्मेंस, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो ये भी जैसे थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को, मुझे तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस भी स्कूल में स्टाफ कम है और बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ स्टाफ को बढ़ाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बात करने के चक्कर में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। प्यारे प्यारे बच्चों का परफॉर्मेंस देखिएगा कि वो लोग कैसे क्या किए हैं। गांव जैसे ना, क्या है कि मिर्ज़ापुर का जो गांव है ना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब कि हमें जहाँ तक लग रहा है जहाँ इनका मतलब गांव है वो थोड़ा सा मिर्ज़ापुर सिटी से काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे है, 50 किलोमीटर और दूर पड़ता है। तो यहाँ से दूरी मिर्ज़ापुर जौनपुर से इनके स्कूल की दूरी लगभग 122 किलोमीटर दूरी पे हैं ये, और वहाँ के गांव ना डेवलप नहीं हैं। तो हम लोगों के साइड के गांव तो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन वहाँ जैसे थोड़ा सा आर्थिक पोजीशन भी सही नहीं है, फिर भी बच्चे बहुत अच्छा किए हैं और पढ़ाई भी करते हैं और काफ़ी अच्छे से रहते हैं वो। तो चलिए मैं आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि छोटे से गाँव से प्यारे प्यारे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इन लोगों को और भी अच्छे से एक्टिविटी सिखाई जाए, और मतलब पढ़ाई लिखाई में इन लोगों को और भी गार्जियन लोग भी ध्यान दें तो ये लोग और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, इसके बिना किए हुए प्लीज़ फुल वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए मिलती हूँ आगे आप लोगों से फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए, स्कूल के थोड़े से पिक के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ बाय।